Hello students, welcome to all on my YouTube channel Civil Exam Guru. In this video, we will discuss the questions of GPSC previous year examination. So, this is subject is surveying subject and topic is compass surveying. दोस्तों ये जो subject है वो surveying subject है और आपका topic है compass surveying. इसके previous में मैंने जो है लीनियर मेजरमेंट और फंडामेंटल एंड बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए हैं. तो अभी आज की क्लास के अंदर हम लोग कंपास सर्वेइंग से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे. आप क्वेश्चन देखेंगे और आप जो है देख सकते हैं कि ये सभी जीपीएससी एग्ज़ाम गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग रिड्यूस बियरिंग टू द होल सर्कल बियरिंग ऑफ साउथ 28 डिग्री 14 मिनट इट्स. तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपको कन्वर्ट करना है रिड्यूस बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग में. तो हमें पता है ऊपर का नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है. ओके, तो साउथ और ईस्ट में है तो 28 डिग्री 14 मिनट साउथ ईस्ट में है. तो एक क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है. तो क्या करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग जैसे बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहला साउथ 28 डिग्री एंड 14 सेकंड है. ओके, और टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो होता है वो होता है 180 डिग्री. अब होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से इसको हमको माइनस कर देना पड़ेगा, 28 डिग्री 14 मिनट को माइनस कर देना पड़ेगा. तो आप इसको जस्ट माइनस कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा. तो कितना आएगा आंसर, 118 डिग्री और 14 मिनट, ऑप्शन डी इसका सही है. इसके साथ साथ सॉल्यूशन भी आपको मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. सॉरी, माइनस करेंगे तो हमको जो है मिलेगा 151 डिग्री 14 मिनट. ओके, इस तरीके से आप जो है इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं. कैसे करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, माइनस कर देना है. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. अ बियरिंग ऑफ ए लाइन इज आल्सो नोन एज, एक कोई लाइन की बियरिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग. क्या बोलेंगे, किसी भी बियरिंग को हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग बोल सकते हैं. बियरिंग ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड एज ए मैग्नेटिक बियरिंग, इट इज़ अ हॉरिजेंटल एंगल मेजर विद द मैग्नेटिक मेरिडियन. यदि कोई हॉरिजेंटल एंगल जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजर किया जा रहा है तो उस लाइन को हम लोग जो है मैग्नेटिक बियरिंग बोलते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी एंड ए सी आर 20 डिग्री 15 मिनट एंड 37 डिग्री 45 मिनट रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल बी ए सी. तो स्टूडेंट्स, एक लाइन ए बी है और एक लाइन ए सी है, उन दोनों का होल सर्कल बियरिंग हमको दे दिया है और इंक्लूडेड एंगल पूछा है बी ए सी का, बी ए सी का इंक्लूडेड एंगल हमको पूछा है. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक लाइन ए सी है और दूसरा लाइन जो है वो हमारा ए बी है. तो ए सी लाइन की का हमको होल सर्कल बियरिंग दिया है और ए बी का होल सर्कल बियरिंग दिया है और इंक्लूडेड एंगल हमको पूछा है. इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, कि दो एंगल के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लूडेड एंगल. तो हमको एसी की वैल्यू दे दी है और एसी की वैल्यू हमको दे दी है और जो है दूसरा कौन सा वैल्यू दिया है, दूसरा हमको ए बी भी दिया है, ए बी लाइन की वैल्यू भी हमें दी हुई है. ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया है. तो हमको जो है यदि हम इसमें से माइनस करते हैं, ठीक है, यदि हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी. ठीक, 337 डिग्री 14 मिनट को यदि हम लोग माइनस कर दें इससे इसको तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी. अदरवाइज 360 में से अदरवाइज आप सिंपल देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो राउंड होता है वो 360 होता है और हमको एसी की वैल्यू हमको पता है यहाँ तक, तो हमको जो है 360 में से इसको माइनस कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे तो हमको इंक्लूडेड एंगल मिल जाएगा. कैसे, देखिए ध्यान से कि टोटल 360 में से यदि हम 337 डिग्री 45 मिनट को माइनस करते हैं तो हमको वैल्यू कितनी मिलती है, 22 डिग्री 15 मिनट्स.
एंड देन इंक्लूडेड एंगल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमको जो है दो दो लाइन के बीच में एंगल मिल जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए साइड ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज 38 डिग्री 45 मिनट देन द बियरिंग ऑफ द थर्ड साइड सी ए ऑफ द ट्राइंगल इज। इसके अंदर पूछा गया है कि होल सर्कल बियरिंग ऑफ साइड ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके अंदर तीनों एंगल जो है इक्वल होते हैं, 60 डिग्री का होते हैं। तो ए बी सी जो है वैल्यू दिया है हुआ है, ए बी की जो बियरिंग दी हुई है वो 38 डिग्री 45 मिनट दिया है। देन द बियरिंग ऑफ थर्ड साइड ए सी, तीसरी साइड जो है वो ए सी का बियरिंग क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंक्लूडेड, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी और ये सी, ठीक है। तीनों का वैल्यू हमको पता है 60 डिग्री होता है। तो हमको जो है थर्ड एंगल ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो बियरिंग ऑफ ए बी, ए बी का बियरिंग हमको दे दिया वो कितना दिया, 38 डिग्री 45 मिनट। बियरिंग ऑफ बी सी हमको यदि निकालना है तो क्या हो जाएगा, बियरिंग ऑफ बी सी, बी सी का बियरिंग निकालना है तो क्या होगा। तो बियरिंग ऑफ बी सी जो है, अभी मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो आप यहाँ से यहाँ तक पता कर सकते हैं ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी 120 डिग्री होगी क्योंकि इन दोनों का सम जो है 180 होता है। ओके तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 120 डिग्री प्लस 38 डिग्री तो ये हो जाएगा 158 डिग्री 45 मिनट्स, ये हो गया आपका बी सी। देन द बियरिंग ऑफ सी ए, बी सी हमको मिल गया, सी ए के लिए क्या करेंगे, तो बैक बियरिंग ऑफ बी सी प्लस आउटर एंगल। तो बी सी का जो बैक बियरिंग होगा वो कितना होगा, बी सी का बैक बियरिंग जो है वो कितना होगा, वो हो गया आपको 158 डिग्री 45 मिनट्स, और आउटर एंगल जो बाहर का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 120 डिग्री। दोनों को ऐड कर दोगे आपको मिलेगा 278 डिग्री 45 मिनट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक सोर्स, द एरर इन द बियरिंग ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस, द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस एंड द डिप ऑफ द नीडल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो एंगल होता है बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस। कोई भी प्लेस के ऊपर मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच के बीच का जो डिक्लिनेशन होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज अ हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ट्रू मेरिडियन। व्हेन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन कोइंसाइड देन जीरो डिक्लिनेशन इज कॉल्ड एज ए एगोनिक लाइन। लाइन पासिंग थ्रू द जीरो डिक्लिनेशन उसको हम लोग बोलेंगे एगोनिक लाइन। एंड व्हेन द सेम डिक्लिनेशन टेक प्लेस दैट इज नोन एज अ आइसोगोनिक लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज फाउंड एज 35 डिग्री 45 मिनट इफ द डिक्लिनेशन इज 3 डिग्री 45 मिनट ईस्ट देन थ्रू बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग जो है वो आपको दिया हुआ है, डिग्री 45 मिनट्स और डिक्लिनेशन जो है वो भी ईस्ट की तरफ है, तो क्या होगा, थ्रू बियरिंग कितना होगा। तो थ्रू बियरिंग क्या हो जाएगा, इस सबको ऐड कर दो तो हमको मिल जाएगा, हमको ऐड करेंगे तो 35 में से 3 ऐड जो है ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपको 39 डिग्री 30 मिनट। ओके चलिए, तो फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं कि थ्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और यदि ईस्ट की तरफ डिक्लिनेशन हो रहा है तो पॉजिटिव लेंगे और वेस्ट में डिक्लिनेशन हो रहा है तो नेगेटिव लेंगे। तो मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू कितनी दी है, 35 डिग्री 45 मिनट ईस्ट और 3 डिग्री 45 मिनट्स ईस्ट जो है डिक्लिनेशन दिया है, टोटल ऐड कर देंगे 39 डिग्री 30 मिनट जो है वो आपको ईस्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं,
द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज, दैट इज नोन एज डिक्लिनेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन बोलते हैं। अब देख सकते हैं डिक्लिनेशन क्या होता है, इज हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। डिप क्या होता है, मेकिंग एंगल विद द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के साथ जो एंगल बनता है उसी को डिप बोलते हैं। और डिप की जो वैल्यू होती है जीरो होती है कहाँ पर, इक्वेटर पे, और 90 डिग्री होती है पोल के ऊपर। लोकल अट्रैक्शन किसको बोलेंगे, द डिस्टर्बेंस ऑफ नीडल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस अराउंड इट, दैट इज नोन एज लोकल अट्रैक्शन। चलो, ए नेगेटिव डिक्लिनेशन शोज दैट मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द, नेगेटिव डिक्लिनेशन का मतलब है कि मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ पे होगा, तो वेस्ट साइड के होगा, वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन। और यदि पॉजिटिव डिक्लिनेशन है तो किस तरफ होगा, ईस्ट की साइड होगा, और नेगेटिव डिक्लिनेशन है तो किस तरफ होगा, वेस्ट साइड होगा। तो डिक्लिनेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है पॉजिटिव डिक्लिनेशन, एक हो सकता है नेगेटिव डिक्लिनेशन। तो ईस्टर्न साइड होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और वेस्टर्न साइड जो होगा वो नेगेटिव लेंगे। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट इन ईयर 1967 व्हेन द डिक्लिनेशन वॉज 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। इफ द प्रेजेंट डिक्लिनेशन इज 3 डिग्री वेस्ट देन द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी, एक लाइन ए बी है, एक लाइन ए बी है जिसकी मैग्नेटिक बियरिंग जो है हमको दिया हुआ है, इसको हमको मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है कितना, 59 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है ये वाली वैल्यू 59 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये ईस्ट होता है। ओके, वेन द डिक्लिनेशन वॉज 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, उस समय डिक्लिनेशन जो है वो कितना है, 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट में। तो यहाँ कहीं ना कहीं डिक्लिनेशन है, 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट में डिक्लिनेशन है। ठीक है, इफ द प्रेजेंट डिक्लिनेशन इज 3 डिग्री वेस्ट देन द होल सर्कल बियरिंग विल बी, और अभी का डिक्लिनेशन जो है 4 डिग्री वेस्ट, अभी का जो डिक्लिनेशन है, तो हमको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो जैसे ही इसको ऐड करोगे, 57 डिग्री 30 मिनट को ऐड करोगे, 59 डिग्री 30 मिनट को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 डिग्री और 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 59 डिग्री ये नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और डिक्लिनेशन टुवर्ड वेस्ट हो रहा है कि ईस्ट हो रहा है, पहले में डिक्लिनेशन टुवर्ड ईस्ट हो रहा है। डिक्लिनेशन टुवर्ड ईस्ट हो रहा है ना, तो हमें जो है थ्रू बियरिंग निकालना है, तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए बी माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो ये नॉर्थ 55 डिग्री 20 मिनट वेस्ट हो गया। प्रेजेंट मैग्नेटिक बियरिंग ए बी जो है थ्रू बियरिंग में से मैग्नेटिक डिक्लिनेशन माइनस करेंगे, तो नॉर्थ 55 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री, ये हो गया नॉर्थ 58 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। तो होल सर्कल बियरिंग जो है वो कितना हो जाएगा, 301 डिग्री 40 मिनट। तो टोटल जो है डिक्लिनेशन किसके अंदर हो रहा है, वो वेस्ट में हो रहा है। ठीक है, चलिए, इफ द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 270 डिग्री इट्स रिड्यूस बियरिंग विल बी। होल सर्कल बियरिंग जो है वो 270 है, देखो ध्यान से, होल सर्कल बियरिंग 270 है तो रिड्यूस बियरिंग क्या होगा, यहां तक बन रहा है ये होल सर्कल बियरिंग, तो रिड्यूस बियरिंग इसी को बोलेंगे। तो 360 में से माइनस कर दो, तो आंसर विल बी 90 डिग्री, और 90 डिग्री किसके साथ आएगा,
वेस्ट में आएगा। इफ द बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज नॉर्थ 87 डिग्री 30 मिनट 00 सेकेंड ईस्ट एंड दैट ऑफ द बियरिंग इज द लाइन बी सी इज साउथ ईस्ट देन द डिक्लिनेशन बिटवीन द लाइन ए बी इज, एक लाइन ए बी है और एक लाइन बी सी है, उन दोनों के बीच का हमको डिक्लिनेशन निकालना है। तो डिक्लिनेशन कितना हो जाएगा, तो डिक्लिनेशन बिटवीन द लाइन ए बी लाइन बी इज 87 डिग्री 32 मिनट प्लस 65 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा 153 डिग्री 7 मिनट 20 सेकेंड। ये वैल्यू सेम हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपको डिक्लिनेशन मिलेगा। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इक्वल एट द गिवन टाइम इज नोन एज, उस लाइन को क्या बोलेंगे जहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इक्वल होता है उसको बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। क्या बोलते हैं, आइसोगोनिक लाइन। लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज नोन एज आइसोगोनिक लाइन। लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ जीरो डिक्लिनेशन इज नोन एज एगोनिक लाइन एंड लाइन ज्वाइनिंग द लोसी ऑफ ए प्लेस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ डिप इज नोन एज आइसोक्लिनिक लाइन वेयर द लाइन ज्वाइनिंग द लोकेशन ऑफ द प्लेस वेयर नो डिप आर कॉल्ड एज एक्लिनिक लाइन सच एज मैग्नेटिक इक्वेटर। तो नो डिप होगा तो मैग्नेटिक इक्वेटर होगा। आइसोगोनिक लाइन आर पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग सेम डिक्लिनेशन, पॉइंट हैविंग सेम डिक्लिनेशन, इसको हम बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन आर द ज्वाइनिंग द पॉइंट हैविंग द सेम डिक्लिनेशन एज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड द लाइन ज्वाइनिंग द डिक्लिनेशन इज जीरो दैट इज नोन एज एगोनिक लाइन। इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा आप सभी लोग, इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन एट ए प्लेस इन द नून इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज 167 डिग्री द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस, तो वहाँ पर थ्रू बियरिंग कितना हो जाएगा, थ्रू बियरिंग हो जाएगा 180 डिग्री, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया 167 डिग्री, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इक्वल टू थ्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, थ्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, तो ये हो जाएगा 180 में से 163 माइनस करो तो पॉजिटिव में आ रहा है तो टुवर्ड द ईस्ट हो जाएगा 13 डिग्री टुवर्ड द ईस्ट। डीप ऑफ द होरिजन इज द एंगल, डीप ऑफ द होरिजन इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द टेंजेंट टू द लेवल सरफेस। द डीप एट द होरिजन इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द टेंजेंट टू द लेवल सरफेस, द डी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच आर। तो डी जेड इज जो डीप ऑफ होरिजन है, एच जो है ऑब्जर्व हाइट है और आर जो है वो रेडियस है। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज साउथ 52 डिग्री 30 मिनट वेस्ट इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 4 डिग्री 15 मिनट वेस्ट देन द थ्रू बियरिंग ऑफ द लाइन विल बी। तो हमको पता है कि थ्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग और प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है वेस्ट की तरफ है तो नेगेटिव में लेंगे, तो थ्रू बियरिंग हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, थ्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग मतलब साउथ 52 डिग्री 30 मिनट वेस्ट प्लस सॉरी माइनस 4 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, तो माइनस कर दो तो आंसर हमको मिल जाएगा साउथ 48 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, आंसर आपका सी मिलेगा। क्या है मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज द बियरिंग फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द थ्रू बियरिंग इज द बियरिंग फ्रॉम द थ्रू मेरिडियन, सो यू कैन सी द आंसर इज दिस साउथ 48 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। ऑब्जर्व द बियरिंग ऑफ ए ट्रावर्स आर गिवन बिलो, लाइन दिया है, फोर बियरिंग दिया है, बैक बियरिंग दिया है, सो हमको स्टेशन द मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई द लोकल अट्रैक्शन, तो आप जो है इसके अंदर से फोर बियरिंग और बैक बियरिंग माइनस करके चेक कर सकते हो, तो 220 में से इसको माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली ये 180 आ रहा है, तो ए और बी जो है फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन होंगे, तो ए जो है फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन होगा,
और भाई यहाँ पे बी जो है वो फ्री फॉर्म लोकल अट्रैक्शन है, सी जो है इसके अंदर लोकल अट्रैक्शन आ रहा है, और सी लोकल अट्रैक्शन है, इसको माइनस करके दिखाओ तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन आ रहा है, और इनको माइनस करेंगे तो ये डायरेक्टली 180 आ रहा है। तो डी और ई जो है वे भी फ्री फॉर्म लोकल अट्रैक्शन है, तो ओनली सी जो है वो मोस्ट लाइकली अफेक्टेड है, तो आंसर विल बी ए। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल डीप आर कॉल्ड एज, एक ऐसा लाइन जो इक्वल डीप होती है उसको बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइन। क्या बोलेंगे? आइसोक्लिनिक लाइन। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल डीप आर कॉल्ड एज ए आइसोक्लिनिक लाइन। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ जीरो डीप इज कॉल्ड एज ए क्लिनिक लाइन। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन इज कॉल्ड एज ए आइसोगोनिक लाइन। एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन इज कॉल्ड एज ए एगोनिक लाइन। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन एट द नून इज 179 डिग्री, व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन के लिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस ई होता है, थ्रू बियरिंग हमको सन की डायरेक्शन मिले तो 180 होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 179 डिग्री दिया है तो 180 में से माइनस करेंगे तो 1 डिग्री टुवर्ड द ईस्ट आएगा। इफ़ द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 28 डिग्री 36 मिनट वेस्ट, इट्स बैक बियरिंग विल बी। फोर बियरिंग जो है वो नॉर्थ 28 डिग्री 36 मिनट वेस्ट दिया है, इसका बैक बियरिंग क्या होगा? तो सिंपली नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में सेम वैल्यू उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में हो जाएगा तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, तो आंसर विल बी साउथ ईस्ट 28 डिग्री 36 मिनट ईस्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो तो एक बार लाइक कर दीजिए, और GPSC की PYQ हम लोग शेयर स्टार्ट कर दिए हैं। हमने आपके साथ 4 लेक्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर GPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी दिया हूँ। इसके साथ साथ जो है EE की जो एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। जो डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। GPSC की आने वाली एग्ज़ाम से पहले हम लोग काफ़ी सारे पोर्शन को कंप्लीट कर चुके रहे होंगे। हम लोग देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन के साथ साथ हम उसके पर्टिकुलरली कंसेप्ट को भी देख रहे हैं, और एक क्वेश्चन के साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन कंटेक्ट हो जाए। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9974248087 पर, इसका PDF मैं आपको भेज दूँगा। PDF को लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो आप इसके अंदर मुझे WhatsApp करके बाकी अदर डिटेल ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।